नशीले पदार्थों के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB जिस गेस्ट हाउस में बॉलीवुड के अभिनेताओं से पूछताछ कर रही थी, उसी गेस्ट हाउस के बाहर घटना की कवरेज को लेकर पत्रकारों के बीच धक्का मुक्की हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल के पत्रकारों और मुंबई के कुछ संवाददाताओं के बीच हो रहे झगड़े में बीच बचाव के लिए पुलिस ने हस्तक्षेप किया। राष्ट्रीय न्यूज चैनल के पत्रकारों ने स्थानीय मीडिया को चाय बिस्कुट वाले पत्रकार बताया। दक्षिणी मुंबई में कोलाबा गेस्ट हाउस के बाहर सुबह 10 बजे हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस गेस्ट हाउस में NCB की टीम रुकी हुई है और मादक द्रव्य मामले में फिल्म जगत की शख्सियत तथा अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है। अपना बयान दर्ज कराने के लिए बॉलीवुड से जुड़ी किसी भी शख्सियत के पहुंचने पर खासकर टीवी चैनलों के पत्रकार बाइट के लिए गेस्ट हाउस के बाहर जुट जाते हैं और बुधवार की सुबह भी ऐसा ही हुआ। NCB जांच को कवर करने के लिए दिल्ली के एक पत्रकार मुंबई आए हुए थे। यह धक्का मुक्की उस समय हुई जब पत्रकार दूसरे राष्ट्रीय चैनल के कैमरे के फ्रेम में आ गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें वहां से हटने को कहा गया तो उन्होंने मुंबई के पत्रकारों से बदसलूकी करते हुए उन्हें अवसाद वाले पत्रकार और चाय बिस्कुट वाले गरीब पत्रकार कह दिया। एक चश्मदीद ने इस संबंध में बताया कि इसके बाद ये बहस बढ़ती चली गई और धक्का मुक्की तक होने लगी। इसी बीच मुंबई के कुछ पत्रकारों ने दिल्ली के पत्रकार को थप्पड़ मार दिया। उन्होंने बताया कि मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव किया और आपस में लड़ रहे मीडिया कर्मियों को वहां से हटाया। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।